लिंग का फ्रैक्चर, पेनाइल फ्रैक्चर, पेनिस का फ्रैक्चर, इसके बारे में काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं। तो क्या संभव है? लिंग में तो कोई हड्डी रहती नहीं है, फिर फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोगों के सवाल आते हैं। कुछ लोगों को फ्रैक्चर हुआ है तो वो लोग फिर कॉल करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देने हेतु मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। पेनिस में कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है पेनिस में, मगर तभी भी वहाँ कॉर्पोरा कैवर्नोजा और कॉर्पोना स्पॉन्जियोजा करके जो स्मूथ मसल्स रहती है, जो स्पंज जैसी रहती है, तो वो ब्रेक हो सकती है, वो जो मसल्स है वो टियर हो सकती है। और वो जो मसल जब टियर हो जाती है तब खट से ऐसा आवाज़ आ जाता है, खट आवाज़ आ जाएगा, और पेनिस का जो टाइटनेस है वो एकदम खटाक से कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा, दर्द होना चालू हो जाएगा, समझ जाना कि ये पेनिस का फ्रैक्चर हुआ है। अब पेनिस का फ्रैक्चर ये होने के और लक्षण ऐसे हैं कि उसमें से खून भी आ सकता है, उसके ऊपर का जो चमड़ी है वो एकदम डार्क कलर का हो सकता है, काफ़ी दर्द होगा, और पेशाब करने के समय दर्द होगा, और दर्द बिल्कुल इतना ज़्यादा हो सकता है कि सहन नहीं कर सक रहे। तो ये जो टियर हो जाता है, मतलब टूट जाता है, फट जाता है मसल, वो क्यों होता है? क्या होता है कि एक तो बहुत कड़क पेनिस है, बहुत ज़्यादा टाइट है, और बहुत ज़्यादा टाइट और लंबा पेनिस है, वो सेक्स करने के समय अंदर योनि में यदि प्यूबिक बोन के ऊपर वो हिट कर लेता है लंबा रहने से, तो फ्रैक्चर हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली सेक्स किया तो फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कड़क है और फोर्सफुली सेक्स किया तो। कभी ऐसा सेक्स मतलब अंदर डालने के समय यदि सूखा है वजाना, अंदर नहीं जा रहा है, और उस समय कोशिश किया, बेंड हो गया एकदम डालते डालते, तो फ्रैक्चर हो सकता है। बेड के ऊपर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं और जोर जोर से हस्तमैथुन किया और बेड के ऊपर घस दिया, तो उस समय फ्रैक्चर हो सकता है। यदि आपका इरेक्शन है, टाइट हुआ है पेनिस और गिर गए कहीं और पेनिस के ऊपर ही फॉल हो गया, तो फ्रैक्चर हो सकता है। नींद में आपका नॉक्टर्नल इरेक्शन है, मतलब नींद में टाइटनेस है और आप बेड के ऊपर पलट रहे इधर उधर, उस समय बेड के ऊपर वो क्रैश हो सकता है और उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे अनेक अलग अलग कारण हो सकते हैं। फ्रैक्चर हो गया मतलब दर्द है, दर्द हुआ है तो तकलीफ हो जाएंगी, लूज हो जाएगा पेनिस, तो उसका इलाज तुरंत करना जरूरी है। एक तो उसमें दवाइयाँ दे सकते हैं हम, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक दवाइयाँ हम दे सकते हैं, फिर आइस जो है बर्फ़ वो पूरा उसको लपेट के रख सकते हैं, उसको शांत ठंडा कर सकते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह अंदर हो रहा है वो रुक जाएगा, और तुरंत डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, सर्जन उसका रिपेयर कर सकता है। तो रिपेयरिंग जो है, जो मसल्स टियर हो गए हैं, जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा जो टियर हो चुका है, उसको रिपेयर करना संभव है, और उससे फिर आगे प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आपने वैसे ही रख दिया, धकेल लिया, निकाल दिया, तो हो सकता है वैसे नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं तो बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो टेढ़ा होने का और एक कारण यह है कि पेनाइल फ्रैक्चर। तो इसलिए 8 घंटे के अंदर ही अंदर जितना आप जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और उसका इलाज करते हैं, उतना ही जल्दी ठीक नॉर्मल होने के चांसेस है। नॉर्मल वैसे ही हो गया तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और तुरंत इलाज करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।